वेलकम टू ट्विंकल रेसिपीज डॉट कॉम। आज हम बना रहे हैं केसर पनीर डिलाइट। इसके लिए हमें चाहिए एक कप कसा हुआ पनीर, एक कप दूध पाउडर, एक कप दूध जिसमें केसर मिला हुआ है, एक कप फ्रेश क्रीम, कुछ फीके पिस्ते, 4-5 बादाम कूटी हुई एंड 2 इलायची छिली हुई। सबसे पहले हम इस दूध पाउडर को इस दूध में मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है ताकि ये दूध पाउडर पूरा डिसॉल्व हो जाए। सो हम अभी ब्लेंडर यूज़ करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। सो ये मिक्स करके रेडी है। अब एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे एंड सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। फिर हम ऐड करेंगे इलायची। अब इसे कंटिन्यू घुमाना है 5 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को अच्छी तरह से मलाई में मिक्स कर देंगे। इसे कंटिन्यू घुमाते रहना है एंड हाई एंड लो फ्लेम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ओवरहीटिंग नहीं होनी चाहिए। पनीर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 चम्मच शक्कर। फिर ऐड करेंगे दूध जिसमें हमने मिल्क पाउडर ऑलरेडी मिला के रखा था। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से घुमाना है। कंटिन्यू इसको घुमाते रहना है। थोड़ा गाढ़ा होना चालू हुआ है ये। इसे थोड़ा और गाढ़ा होने तक हम लोग पकाएंगे। सो ये कंसिस्टेंसी सही है। हम फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर इसे ठंडा होने रख देंगे। अब हम इसे स्मॉल क्वांटिटी में सर्व करके कम से कम 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। रेफ्रिजरेट करने से पहले थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं बादाम और पिस्ते से। सो अब ये रेडी है खाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्विंकल रेसिपीज़ डॉट कॉम।